बानी पीटीआई और तहरीके इंसाफ के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात के मामले में इमरान खान ने चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कमेटी में दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान ने दरख्वास्त में मौकफ अपनाया कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मेरा तहरीके इंसाफ सुनी इत्तेहाद काउंसिल अब पीटीआई अराकीन का मुकदमा न सुने। वाज़ेह रहे कि इमरान खान इससे कबल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने नैब तरामीम कालअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील से मुतालिक तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया, जबकि साबिक वजीर आजम ने तहरीरी जवाब में अपीलें खारिज करने समेत चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर एतराज उठाते हुए केस से अलग होने की भी इस्तेदा की। उन्होंने कहा था कि माजी के फैसलों को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मेरे मुकदमात से खुद को अलग कर लो। माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया और करप्शन को बचाने के लिए की गई तरामीम अवाम का कानून पर से एतबार उठा देती है। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने इल्जाम आयद करते हुए कहा था कि कई दफा चीफ जस्टिस को बोला कि वो हमारे केसेस से खुद को अलग कर दे। हमें यकीन है ना आमिर फारूक से और ना काजी फाइज ईसा से इंसाफ मिलेगा, दोनों का रवैया भी एक जैसा है। रऊफ हसन का कहना था कि इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को पहली दफा तहरीरी तौर पर लिखा है। बानी चेयरमैन के खत में जस्टिस गुलजार के फैसले का रेफरेंस भी दिया है। चीफ जस्टिस पर अदम एतिमाद की बहुत सारी वजूहात हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी इमरान खान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा पर अदम एतिमाद का इजहार करते हुए इंसाफ न मिलने पर जेल में भूख हड़ताल करने की धमकी भी दे चुके हैं।